बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी ड्रग्स। रूम वॉल डेकोरेशन के लिए मैंने जो है मिनी फ्रेम्स जो है दराज से ऑर्डर किए थे। मैंने सोचा कि इसकी अनबॉक्सिंग और हैंगिंग आपके साथ शेयर करूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर भी क्लिक कर लें। इस तरह मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आजकल अगर हम ऑनलाइन ड्रामास में देखें या मॉर्निंग शोज़ में देखें तो वॉल हैंगिंग्स पे बहुत खूबसूरत फ्रेम्स लगते हैं। मिनी फ्रेम्स का जो एडिशन है बहुत ज़बरदस्त लगता है। अगर आपकी वॉल जो है वो बिल्कुल सिंपल है और आप उसको डेकोर करना चाहते हो विद इन अ बजट, तो आप देख सकते हो कि मॉर्निंग शो में निदा यासिर की जो एक वॉल है वो गैलरी इस तरह डेकोरेट की गई है जो बहुत ज़बरदस्त लगती है। सो दराज से जो ये फ्रेम्स हैं मुझे काफ़ी अच्छे रीज़नेबल मिल गए और इवन के क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो फर्स्ट फोर फ्रेम्स का जो सेट है ये 1250 रुपीज़ में था और 175 रुपीज़ इस पर डिलीवरी चार्जेस थे। तो आप देख सकते हो कि नाइसली पैक्ड है, कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में बबल रैप के साथ आता है तो फ्रेम जो है इन ट्रांसिट टूटते नहीं हैं। अगर आप अपने रूम की वॉल या अपनी वैनिटी की जो वॉल है वो या फिर अपने सैलून में इस तरह के मिनी फ्रेम्स जो है वो हैंग करना चाहते हो तो ये वाले फ्रेम बहुत ज़बरदस्त है। 1425 रुपीज़ में 4 फ्रेम्स मैंने लिए हैं। ये मिनी 4 फ्रेम्स है और ये बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हो ब्लैक जो है फ्रेम का बॉर्डर है और जो इस फ्रेम के जो बॉर्डर था ना इसके ऊपर भी रैप था ताकि ये ख़राब ना हो। इन फ्रेम्स को मैंने जैसे दराज पर देखा था तो फ़ौरन ऑर्डर कर दिया था क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किए थे। अगर आप अपने रूम और लिविंग रूम या फिर अपने वैनिटी के पास इनको अफिक्स करोगे तो ये बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। आप देख सकते हो ओवरऑल क्वालिटी भी अच्छी है। ग्लास लगा हुआ है फ्रंट पे, बैक साइड पे कार्डबोर्ड है, हैंगिंग है और आपको बबल रैप में मिलते हैं ताकि इन ट्रांजिट आपकी जो डैमेज ना हो ये फ्रेम्स। मुझे तो ये फ्रेम बहुत ज़्यादा पर्सनली तौर पे अच्छे लगे हैं कि 1425 रुपीज़ में आपको 4 फ्रेम्स मिल रहे हैं। क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, क्वालिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 4 फ्रेम्स का और भी मैंने सेट जो ऑर्डर किया था ये मोटिवेशनल कोट्स थे इस पे लिखे हुए। 4 फ्रेम सेट जो डिफरेंट मेजरमेंट के थे, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मुझे मोटिवेशनल कोट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं कि इन्हें पढ़कर थोड़ा आप इंस्पायर हो जाते हो। ये जो 4 थे ये मुझे 1635 रुपीज़ में मिले थे इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस। इन फ्रेम्स की क्वालिटी भी अच्छी है, आप देख सकते हो नाइसली पैक्ड आपको जो आपका पार्सल डिलीवर होता है ताकि इन ट्रांसिट जो है ये डैमेज ना हो जाए क्योंकि डेफिनेटली इनकी जो फ्रंट पर जो है वो ग्लास लगा हुआ है, ग्लास के ज़रा टूटने का खदशा होता है तो इसलिए बबल रैप होते हैं। जो फर्स्ट वाले ब्यूटी वाले 4 फ्रेम्स थे वो डिफरेंट थे और ये 4 जो है मोटिवेशनल कोट्स डिफरेंट हैं। दोनों को मैंने अलग अलग ऑर्डर किया था। इनकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ब्लैक कलर का जो है इनका बॉर्डर है, बैक साइड पर कार्डबोर्ड लगा हुआ है, फ्रंट पर जो है ग्लास भी है। आप देख सकते हो कि नाइसली पैक्ड आपको आपका पार्सल डिलीवर हो जाता है। फ्रेम की क्वालिटी भी अच्छी है, आप घर बैठे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आपने जब भी दराज से किसी भी सेलर से कुछ परचेज़ करना है ना तो उस सेलर की रेटिंग लाजमी चेक कर लिया करें कि उसका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह का है, उसकी क्वालिटी कैसी है। और वो तमाम लोग जो दराज से परचेज़ करते हैं वो वहाँ पर जो रिव्यू लाजमी लिखा करें। मैंने भी इन दोनों फ्रेम्स के रिव्यू दे दिए थे वहाँ पर और ये भी लिख दिया था कि मैंने अपने चैनल ब्यूटी ड्रग्स पर जो है इनका रिव्यू अपलोड कर रही हूँ तो लाजमी आप लोग वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। जब आप किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू चेक कर लेते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि इनकी क्वालिटी कैसी है। आप देख सकते हो ये 4 फ्रेम्स हैं, इन पर कोट्स लिखे हुए हैं तो बहुत ज़बरदस्त है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे ओवरऑल अच्छे लगे हैं। आप ना घर में भी ये फ्रेम्स बना सकते हो। अगर आपके पास पुराने फ्रेम्स पड़े हुए हैं तो आप कोट्स में सिंपल प्रिंट लेकर इसमें लगा सकते हो। आप देख सकते हो कि डिफरेंट मेजरमेंट के, बिल्कुल भी टाइनी नहीं है कि ऐसा नहीं लगे कि मतलब 2-2 इंचज़ के हैं। 6.5 इंच का ये फ्रेम है और आप देखो इसकी वर्थ भी चेक कर सकते हो, वो भी अप्रॉक्सीमेट 7 है। ओवरऑल जो है वो इनकी मेजरमेंट भी ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं है। मेरे जो रूम की वॉल थी ना ये बिल्कुल सिंपल थी तो सोचा कि इस पर जो है ये मिनी फ्रेम्स लगा लिए जाएँ ताकि ये वाली जो वॉल है थोड़ी सी अच्छी लगे, क्योंकि अभी एज सच जो है इस वॉल को पेंट कराने का कोई इरादा नहीं था तो इसलिए सोचा कि अभी फ़िलहाल जो है फॉर टाइम बीइंग इन पर जो है वो मिनी फ्रेम्स अफिक्स कर लिए जाए। मैंने स्कैटर्ड जो है ये मिनी फ्रेम्स इस पर अफिक्स किए हैं। आप देख सकते हो कि मैंने जो है वो बिल्कुल स्कैटर्ड रखे हैं, किसी अरे में इनको जो है वो अरेंज नहीं किया क्योंकि मुझे स्कैटर्ड फ्रेम्स काफ़ी पसंद हैं। आप चाहो तो इन फ्रेम्स की एक सिमेट्री भी रख सकते हो, जिस तरह का भी आप फिक्स करना चाहो, लेकिन मुझे स्कैटर्ड ज़्यादा अच्छे लग रहे थे तो इसलिए मैंने इनको स्कैटर्ड ही इस वॉल पर हैंग कर लिया। दराज पे जो है फ्रेम्स की काफ़ी सारी वैरायटी अवेलेबल है, आप चाहो तो फ्रेम्स ही ऑर्डर कर सकते हो और उस पर जो है कॉर्ड्स जो आपको पसंद है मोटिवेशनल या फिर आप खुद भी पिक्चर जो है वो प्रिंट करके लगाना चाहते हो तो आप प्रिंट लेकर ख़ुद भी DIY जो वॉल हैंगिंग फ्रेम्स है ये बना सकते हो।
ओवरऑल मुझे तो अपने रूम की वॉल बहुत अच्छी लग रही है। आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह की लगी है, और अगर आप भी इस तरह के फ्रेम्स जो है वो परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इंसर्ट है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस फ्यूचर में आ रही हैं जिसमें मैं आपको होम डेकोर, रूम डेकोर, किचन डेकोर के आइडियाज़ दूंगी कि अगर आप नया घर बना रहे हो या अपने घर को रेनोवेट करना चाह रहे हो तो विद इन बजट जो है वो अपने घर को किस तरह डेकोरेट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you.